सोना और चांदी की चमक एक बार फिर बढ़ने लगी है। इस हफ्ते सोना 693 रुपये महंगा होकर 47,484 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस हफ्ते से पहले सोना 46,751 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की बात करें तो ये 3,035 रुपये महंगी होकर 70,835 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सोने की तुलना में चांदी में ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। अप्रैल में सोने चांदी में चमक बढ़ी है। अप्रैल महीने में ही सोना 2,601 रुपये महंगा होकर 46,743 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 31 मार्च को ये 44,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं अप्रैल में चांदी भी 4,968 रुपये महंगी हुई है। 31 मार्च को जब बाज़ार बंद हुआ था तब चांदी 62,862 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी, जो अब 67,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई है। दिवाली तक 60,000 तक जा सकता है सोना। केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जिससे देश में अस्थिरता या अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इससे देश में ज़्यादातर जगह लॉकडाउन लगने लग गया है। इससे भी लोगों में कोरोना के प्रति फिर से डर का माहौल है। इसके अलावा देश में महंगाई भी बढ़ने लगी है। इससे भी सोने के दाम आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाले 5 से 6 महीनों यानी दिवाली तक सोना 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि अभी कोरोना के कारण दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इसका फ़ायदा सोने को मिल सकता है। आने वाले महीनों में सोना फिर 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुँच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना $1,831 प्रति औंस के ऊपर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। सोने की कीमत $1,831 प्रति औंस पर है। आने वाले समय में यह $1,850 तक पहुंच सकता है। बीते एक हफ्ते में ही यह 1792 से $1,831 प्रति औंस पर पहुंच गया है। यह एक समय $1,720 प्रति औंस के निचले स्तर पर आ गया था। क्यों बढ़ रहे हैं दाम? कोरोना के कारण दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इससे शेयर बाजार में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। माना जाता है कि इस दौरान निवेशक शेयरों से पैसा निकालकर सोने में निवेश करते हैं। इससे भी सोने के दाम बढ़ने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में डॉलर कमज़ोर हो रहा है। इतना ही नहीं, रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ है। इससे भी सोने को सपोर्ट मिल रहा है। चीन में बैंकों को सोना इंपोर्ट करने की मंजूरी से आने वाले दिनों में सोने चांदी में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। सोने की कीमत $1,773 प्रति औंस के पार निकल गया है। 1 अप्रैल को सोना $1,730 पर था। खुदरा और थोक महंगाई दर के आंकड़े भी 8 साल के उच्चतम स्तर पर आ गए हैं, जिससे सोना और चांदी को सपोर्ट मिल रहा है।